ये भारत माता की जय लगाने वालों ने किया क्या आपको मालूम है? 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति हिंदुस्तान की बेच दी मोदी जी ने। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, BPCL बेच दिया, सड़क बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेच दी। मैंने देश की संसद में कहा, बाप दादा की संपत्ति बढ़ाने वाले लोग सपूत कहलाते हैं और बाप दादा की संपत्ति को बेचने वाले लोग कपूत कहलाते हैं। कपूत सरकार इस देश के अंदर चल रही है, एक कपूत सरकार इस देश के अंदर चल रही है। और जो ये सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, याद रखना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नौकरियों में जो आरक्षण का अधिकार आपको दिया है, जब सरकारी कंपनी ही नहीं रहेगी, जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी, तो किस बात का आरक्षण लोगे, किस बात के आरक्षण की लड़ाई लड़ोगे? ये आपके आरक्षण को खत्म करने की भी योजना है। इसलिए यहां सोनकर समाज के लोग बैठे, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान किसी मोदी और नरेंद्र मोदी और किसी योगी के फरमान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। संजय भैया जिंदाबाद। संविधान से चलेगा। और इसलिए अगर इस संविधान को मजबूत करना है, बाबा साहब के सपने को पूरा करना है, तो शिक्षित राष्ट्र बनाना पड़ेगा। दिल्ली जैसा मॉडल लाना पड़ेगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐसा हमने काम किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी, ट्रंप की बेटी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, केजरीवाल से सीखो। ये हमने काम करके दिखाया। इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे अपील करना चाहता हूं, नदीम अशरफ जायसी जी, इनका अपना एक लंबा राजनीतिक कैरियर है, सूफी परिवार से इनका रिश्ता है, गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान की पहचान में यकीन रखते हैं, हिंदू मुसलमान के भाईचारे में यकीन रखते हैं, अगले पिछले दलित सवर्ण सबकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, शिक्षण संस्थान निःशुल्क देश के कई हिस्सों में इनका परिवार चलाता है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आने वाली 23 तारीख को इनके चुनाव निशान झाड़ू पर बटन दबा के एक ईमानदार, अच्छे और सच्चे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी की जनता दिल्ली मॉडल देख रही है, क्या दिल्ली मॉडल के साथ जनता जाएगी? दिल्ली मॉडल से जाना चाहिए। हमारा भला होना नहीं है, अगर बुनियादी मुद्दों पे हम काम नहीं करेंगे तो हमारा भला नहीं होगा। क्या योगी जी 80-20 की बात करते हैं, उसके कुछ फर्क इस इलेक्शन पे पड़ेगा? 80-20 लोग देख रहे हैं ना, बेरोजगार पीटे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, माताओं बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, ये सब कौन है? 80 में है कि 20 में है, ये पूरा प्रदेश पूछ रहा है इनसे। धन्यवाद। ये जय संजय सिंह जो राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद है।